हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y56 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज जो है वो खाली कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में गैलरी होती है या फिर फाइल मैनेजर होता है या फिर आपका ये जो गूगल फाइल का जो ये वाला ऐप होता है ना, ये वाला गूगल फाइल का ऐप, इन तीनों में से आपको कोई भी एक जो है ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मेरा जो स्टोरेज है वो पहले से खाली है, लेकिन 128 GB मेरे मोबाइल फोन का स्टोरेज है। अगर आपका स्टोरेज अगर भरा हुआ रहता है तो आपको नीचे की साइड ये फ्री अप स्पेस, ये क्लीन अप, ये सब ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप इसे टैप करेंगे ना तो आपकी फोटो वीडियो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी और यहाँ से जो है आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा। आप चाहे तो एक एक करके अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन की गैलरी में जाके भी आप उसे एक एक करके जो काम की फोटो वीडियोज नहीं है आप डिलीट कर दीजिए, तो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है ना वो खाली हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्स होते हैं ना, इन सभी ऐप का आपको डेटा क्लियर कर देना है। ठीक है ना, तो ये जितने भी एप्स होते हैं डेटा क्लियर देखिए कैसे करेंगे कि आपको कोई भी ऐप जो है उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा होगा या सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका ये नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैच का, इसे सिलेक्ट करना है। तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर स्टोरेज और ये क्लियर कैच। ठीक है, तो आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है तो आपको नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो सभी ऐप के डेटा को आप डिलीट कर देंगे तो आपका स्टोरेज जो है ना वो खाली हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स होते हैं ना, जिन्हें आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते, उन सभी ऐप्स को आप अपने मोबाइल फोन से हटा दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये जो आपके मोबाइल फोन के ऐप्स होते हैं ये आपके मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको फालतू के ऐप्स हटा देने हैं। और दोस्तों अगर आप कभी भी अपने मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं ना, तो आप अपने ये जो मोबाइल फोन के सारे ऐप्स को अपने मेमोरी कार्ड में मूव कर दीजिए। ठीक है ना, जिससे आपके मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है ना वो खाली रहेगा। ठीक है ना, और देखिए दोस्तों काफ़ी सारे आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसी मोबाइल फ़ोन की ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर ऑटो डाउनलोड की सेटिंग होती है। ठीक है, तो उसे आपको ऑफ रखना है, बंद रखना है ऑटो डाउनलोड की सेटिंग को। देखिए आपके ना एक व्हाट्सअप में भी मिलती है ऑटो डाउनलोड की सेटिंग, कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई भी अगर क्या कहते हैं फोटो या वीडियो भेजता है ना कोई भी आपके व्हाट्सएप पर, तो आपकी जो फोटो या वीडियो जो भेजी है वो ऑटो डाउनलोड होने लग जाती है आपके व्हाट्सएप में, और वो ऑटो डाउनलोड होकर आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में भी चली जाती है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है ना आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज जो भर जाता है। तो इससे क्या करना है, ऑटो डाउनलोड की सेटिंग आपको अपने मोबाइल फोन में बंद कर देनी है। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक रन करते रहते हैं। ठीक है, वो आपके मोबाइल फोन की बैटरी डेटा और भी बहुत सी चीजें कंज्यूम करते रहते हैं जिससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है ना भरता रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, इन सभी ऐप्स को आपको स्टॉप करने का तरीका बता रहा हूं जो बैकग्राउंड पेज पर ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको जो है ना ये ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको सिर्फ वही ऐप आपको दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते रहते हैं। तो इन सभी ऐप्स को आपको एक एक करके स्टॉप करना है। कैसे करेंगे, देखिए कोई भी ऐप आप सेलेक्ट करेंगे ना तो इसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूजेस ये ऑप्शन मिलता है। रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के सामने जो सर्कल है इस पर टिक मार्क लगाना है, तो ब्लू टिक मार्क लग जाएगा तो इस तरीके से ये ऐप आपका स्टॉप हो जाएगा और आपके बैकग्राउंड पेज पर ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको बाकी के ऐप्स भी आपको स्टॉप कर देने। ठीक है, अब इसके बाद आपको लास्ट प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपने फोन को रीसेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम कैसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, तो आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको है ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, जैसे कि फोटो वीडियो ऑडियो जो भी कुछ है, वो आपको जो काम का जो आपका डेटा है, जो काम का है, जो आपको जरूरत है, उनको जो काम का डेटा है वो आपको पहले किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है, और बाकी की फोटो वीडियो ऑडियो जो भी डेटा आपका फालतू का है वो आपको ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, वो सारा डिलीट हो जाएगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से लिख के रख लेना है, नोट कर लेना है कहीं पर भी, ताकि आप उस जीमेल आईडी को दोबारा अपने फोन में लॉगिन कर सके। तो रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आप करेंगे ना तो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज खाली रहेगा।